दीर्घ मास परे आजिठु खोलुछि अष्टम श्रेणी क्लास नवम दशम परे आजिठु खोलुछि अष्टम श्रेणी ऑनलाइन बदलरे एणिकी श्रेणी गृहरे बसि पाठ पढिबे छात्र छात्री तबे स्कूल रे कोविड गाइडलाइन को बाध्यतामूलक करा जैछि सेपटे एते दिन परे स्कूल खोलुथिबारु छात्र छात्रीक मध्यरे उत्साह देखिबाकु मिलिछि। क्लास आरंभ हेबा पूर्वरु स्कूल को सानिटाइज करा जैछि। कोविड गाइडलाइन अनुसारे स्कूल रे छात्र छात्रीक थर्मल स्क्रीनिंग स हात सानिटाइज करा जिवो। छात्र छात्री मानकर बसिबा स्थान मध्ये एक निर्दिष्ट दूरता रखा जिवो। पिलांक सुरक्षा को दृष्टि रखी स्कूल रे आइसोलेशन रूम मध्ये खोला जाइछि। दीर्घ दिन परे स्कूल खोलुथिबारु छात्र छात्रीक मध्ये उत्साह देखिबाकु मिलिछि। कोविड गाइडलाइन अनुसार आम समस्त व्यवस्था करूँ। विद्यालय सानिटाइज करूँ, सफा सुतरा करूँ। पाने तो नवम दशम चली क्लास तेना आम पे समस्या किसी ना सब ठीक अच्छे। सरकार गाइडलाइन जहाँ कहूँ आम समस्त बाध्य करानी कि आम बुझेबू अंत पक्ष पे आसपाई बुझेबू आसतु ना पितामाता आवार करूँ। बहुत खुशी लगुच कहीं दीर्घ दिन धरी आम स्कूल बंद था। आम विद्यार्थी जीवन श्रेष्ठ स्थान हूँ विद्यालय। बहुत दिन पर आम आम सांगसाथी गुरुजी गुरुमा सहित मिसिबू पाठ पढ़ू पुनश्च आम विद्यालय आम पढ़ू से बहुत खुशी लगुच्छे। गुणमणि विश्वाल संबलपुर सीधासलोक जोड़ी होती आम सहित अधिक सूचना देवाई कारण दीर्घ मास पर आज खोलुच अष्टम श्रेणी क्लास। आलोक भुवनेश्वर आम सहित जोड़ी होती सीधासलोक अधिक तथ्य देवाई प्रथम गुणमणि पाक गुणमणि किभली देखुं बर्तमान गोटे प्रकार आम कहवा सेठाकर माहौल किभली देखुं एत दिन पर पिला स्कूल को आसबे पिला माने उत्साह मानकर किभली देखुं कौन दृश्य परिलक्षित करुछन्ते। निश्चित भाव में आम अच्छे संबलपुर पुरातन जो हाई स्कूल रही लेडी लुइस एठिकार छात्र छात्री मन में उत्साह रहा स्वाभाविक कहीं जिते षष्ठ श्रेणी पढ़ुते से कोरोना जो समय स्कूल आसी पार नथिले सीधा अष्टम श्रेणी आसुचंती तो 18 मास पर स्कूल खोली छात्र छात्री मैंने आसुच्चे जो मैंने आसबे खबर दि जाऊँगी कि भले जल्दी स्कूल आसपे तो छात्र छात्री सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना केमती लगुच स्कूल जेहेतु 18 मास पर आस मैंने कौन नुआ लगुच स्कूल के उत्साह रोचे मैंने मैं बहुत खुशी अच्छे कि जिते बड़े आम स्कूल खुला था आम सब मानते नुआ नुआ जिन शिखवाके पाथलु आ माने जिते सब इन प्रतियोगिता होता इन आम भाग नौ जो बहुत खुशी लगुला तापर कोरोना भूतानु जिते बड़े इनके पलैला आमर ओडिशा के आम सरकार आम स्कूल बंद करदे आमको अनलाइन अनलाइन क्लास रो सुविधा जोगेदे बेले हेनु आम जेन अनलाइन क्लास जेन डाउट होता आम पचरि ना पार्थी बोले आमर एवं स्कूल खुल्ला बेले आम जिते भी डाउट मान अच्छे सब आम मैडम को पचरे भी पार्मू माने एथिले बोले मते बहुत खुशी लगुचे। एबे दुई दिन धरि के पाठ पढा हेबो ना विभिन्न प्रतियोगिता संगीत चित्रांकन ए सब जिंस करा जीवो कोन कोन कोउथरे भाग नबो कोन जो जो प्रतियोगिता हम से सब भाग नापी बहुत उत्साहित अच्छे कौन पर 18 मास पर आम स्कूल आसीचु कहाँ जे 18 मास भी आम जेन प्रतियोगिता होती आम कि भाग नहीं ना पारि से आम ए दुई दिन भितर जेन प्रतियोगिता हाँ ये आमको सबुत्र आम पार्टिसिपेट कर बहुत उत्साहित हम। निश्चित भाव में आप शुणुते कोविड गाइडलाइन मध्य पाठपढ़ा आरंभ हो छात्र छात्री सानिटाइजर करके मास्क लगे स्कूल को आसुचार तो तमाम जिन जेहतु 18 मास पर स्कूल खोली उत्साह रहा स्वाभाविक किंतु पाठपढ़ा प्रति ध्यान रही जेहतु ऑनलाइन पूर्व पाठ पढ़ुते बर्तमान डाउट क्लियर पर सीधा सड़क शिक्षक शिक्षयत्री को पचारि पारे और खुशी अच्छा से बेस पिला खुशी रही आम सहित तो भुवनेश्वर मध्य आलोक प्रधान जोड़ी होती आलोक बर्तमान आप स्कूल रही सेठाकर कि देखुं छात्र छात्री प्रतिक्रिया कौन रोचे के खुशी अच्छा एत दिन पर स्कूल आसपापर प्रिय गाँ देखु प्राय 18 मास पर दीर्घ समय पर स्कूल जेहेतु खोली पिला मन में खुशी तो अच्छी भय रही कहीं कोरोना कटक भितर पुणी चलचंचल उठी स्कूल कैंपस सीधा सड़क दृश्य देखापी चाहिए बर्तमान जेहेतु जो सरकार विद्यालय गणशिक्षा विभाग गाइडलाइन रही ये दुई तीन दिन जो रही कौन क्लास हेब ना पिला चित्रांकन और डिबेट और हस खेल हिं दुई तीन दिन तक समय जीवर तक जो क्लासरूम वातावरण को पुणी फेरी आसवे क्लास आरंभ हो जहाँ सरकार गाइडलाइन रही विद्यालय गणशिक्षा विभाग ये सकाल 9:00 साढ़े 12:00 पर्यंत अष्टम क्लास पाठ पढ़ा हे से जो स्कूल जो रही व्यवस्था रही सरकार गाइडलाइन अनुसार व्यवस्था सानिटाइज
ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଏ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣମୁକ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କ୍ଲାସ୍ର କରିଡ଼ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଏସବୁ କିଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ନହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମନରେ ତୁମର? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହବ। ମନରେ ଟିକେ ଆଶା ରହିଛି ଯେ କରୋନା ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାତା ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯିବ, ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ? ହଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏ ଦୁଇ ଦିନ ନୂଆ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୋକରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯିବ ଯାହାକି ସେମାନେ ଘରେ ଯାହା ପାଠ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପାଠର ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯାହାକି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯିବ, ଗୀତ ନାଚ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯିବ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରାଗଲା ତା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓସି ବାବୁକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ହଁ, ଆପରେ ଆମର ଯେହେତୁ 25-26 ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଇବୁ, ତାପରେ 27ରୁ ଆମର ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, 27, 28, 29 ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ।